त्रिस्तरीय पंचायत के चुनावी समर में गोलबंद हो रहे हैं लोग। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही बोकारो जिले के विभिन्न गांव मोहल्ले में लोग अपने अपने भावी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अभी से ही गोलबंद होने लगे हैं। इसी क्रम में गोमिया प्रखंड के हुरलुंग पंचायत में ग्रामीण भावी मुखिया प्रत्याशी बैजंती देवी की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर गोलबंद होना शुरू हो गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार बैजंती देवी शिक्षित एवं जुझारू महिला हैं। लोगों की जन समस्याओं को दूर करने के प्रति हमेशा सजग रहेंगी। बता दें कि बैजंती देवी निवर्तमान मुखिया पूरन मातो की पुत्रवधु हैं। बतौर बैजंती देवी वो अपने ससुर सह निवर्तमान मुखिया पूरन मातो की तरह वे अपने गांव पंचायत को एक विकासशील पंचायत बनाकर पूरे प्रदेश में नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत से तकनीकी समस्या आएगी, परंतु उन समस्याओं को दूर करते हुए पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करेंगी। मुखिया में अगले साल जो है पूरन मातो थे, अभी तो उसी का फैमिली में एक बैजंती देवी समाज सेवी होकर के लिए तैयार कर सकते, समाज हमारे विकास कर सकते, हमारे समाज में और हमारे ग्राम में अच्छा मुखिया के लिए चाह रहे हैं कोई, तो अभी बैजंती देवी आई है वो तो अच्छा देखभाल कर सकती है। ऐसा लग रहा है हम ग्रामीणों ने सुनाए हुए हैं बैजंती देवी तो देख रहे हैं क्षेत्र का विकास वो कर सकेंगी, विकास कर सकेगी, उसे आगे आई है और करेगी, युवा को उस बात समझ सकती है। क्या नाम है आपका? भाविक मुखिया, जिसे पढ़ी लिखी अच्छी है, जुट की हुई है, और बैजंती देवी सबसे अच्छा है जो आने वाले भविष्य में अच्छे काम करेगी और हमारे समाज को अच्छे सुधार करके लेकर चलेगी। और महिला जो है महिला सुझाव के लिए अच्छा क्या सकता है। हाँ हाँ जी जी, ये हमें पूरी उम्मीद है कि यह बैजंती देवी हमारे समाज, हमारे महिला, हमारे पंचायत के अच्छे खैरे उतरेगी और समाज सेवी अच्छा ढंग से करेगी और हमें क्षेत्र का विकास हो सकेगा। हाँ, हमारे पंचायत के विकास अच्छे ढंग से हो। क्या नाम? मेरा नाम है बैजंती देवी, जो इस समाज में अभी भावी बन के भी उम्मीदवार बन के खड़ी हूँ। पूर्ण मुखिया जो है पूर्ण माता उसकी मैं पुत्र हूँ, उसी से हम बहुत कुछ सीखे हैं। अपने समाज की ओर ध्यान पूरा पूर्ण रूप से देना चाहती हूँ और समाज को सुधारना चाहती हूँ और आगे दूसरी की ओर बढ़ाना चाहती हूँ, और उसे कहीं अगर मुझे उसकी कमी हुई होगी तो उसको हम अपने मन से उसे सफलतापूर्वक से अपने और विकास करेंगे।